सुशांत सिंह राजपूत के केस में सारे के सारे आरोपी हो गए बलि। आपको ये सुनकर बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इसी वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ सारी चीजें। लेकिन बस आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। सॉरी फॉर द ये कि मैं आपको आज नेवी के ड्रेस में दिख रहा हूँ, क्योंकि हमारा डांस का शोज है जो इंडियन नेवी के लिए मैं कर रहा हूँ। आपके डांस मेरे डांस वाले चैनल पे आप देख सकते हैं, एक दो दिन में आ जाएगा। तो हम लोग अभी रिहर्सल में ही है तो कर रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में कैसे कैसे सारे के सारे आरोपी बलि हो गए, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई के ऊपर हम हमेशा नजर रखे हैं कि सीबीआई कोई अपडेट दे, सीबीआई कोई काम करे। लेकिन जब से मैंने रोड पे आना बंद कर दिया है, मैं अपने क्रेडिट नहीं ले रहा हूं, लेकिन ये बात सच है, मैं जब से रोड पे आना बंद किया है तब से कोई लास्ट अपडेट तक नहीं आई सीबीआई की। लास्ट अपडेट सीबीआई की तभी आई थी 14 जून 2021, जब एक साल हो गया, जब मुझे दिल्ली पुलिस ने मुझे अंदर किया था। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब अपडेट आना बंद कर दिया तो एनसीबी ने काम चालू किया था। एनसीबी ने 36 लोगों को पकड़ा था, जिसमें शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और बहुत सारे नाम थे। तो एनसीबी के लिस्ट में से लास्ट नाम था अनुज केशवानी करके एक लड़का, जिसको वो अभी तक अंदर था, लेकिन अब उसको हाई कोर्ट ने बेल मंजूर कर दी है और ये लास्ट आदमी था। पूरे 36 लोगों को पकड़ा था, लेकिन इसको भी अभी बेल मंजूर कर दिए, जैसे शोभिक चक्रवर्ती को दे दी। सीबीआई ने तो किसी को नहीं पकड़ा है, लेकिन एनसीबी ने जो पकड़ा था ड्रग्स मामले में उनको भी छोड़ दिया। रिया को कम्प्लीटली फ्री कर दिया है, शोभिक को बेल मिल चुकी है, वो बाहर देश जा सकता है, बाहर देश गया है, और बाकी लोग भी फ्री हो गए। लास्ट आदमी भी 36 नंबर का, उसको भी बेल मिल गई। तो आपको क्या लगता है, सीबीआई इंसाफ करेगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन अगर कोई एक्शन लेना चाहे तो जरूर लेना चाहिए, अभी ही टाइम है क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, धन्यवाद।